हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदा कुजीन। आज हम बनाएंगे ककड़ी की थाली पीठ, जो काफ़ी हेल्दी, खाने में उतने ही टेस्टी और काफ़ी सॉफ्ट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाएं। हमें चाहिए एक कप बेसन, एक कप गेहूं का आटा, एक हरी ककड़ी जिसे हमने कीस कर रेडी कर लिया है, एक मीडियम साइज के प्याज बारीक कटा हुआ, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, अदरक मिर्ची का पेस्ट, अजवाइन, नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। एक बर्तन में और एक एक करके इसमें सारी चीजें रख दें। हमने रखा है एक कप गेहूं का आटा, एक कप बेसन, प्याज, फिर रखेंगे किस का रेडी किया हुआ हरा ककड़ी, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा अजवाइन, इससे थाली पीठ में टेस्ट काफी अच्छा आता है, अदरक और मिर्ची का पेस्ट, आप चाहें तो लहसुन भी ऐड कर सकते हो, थोड़ी सी हल्दी, इससे इसका कलर काफी अच्छा आता है, नमक स्वाद अनुसार और लाल मिर्च पाउडर। हमने हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट भी रखा है, तो आप जितना तीखा पसंद करते हो उसी हिसाब से लाल मिर्च पाउडर कम या ज्यादा करें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी रखें और इसका गाढ़ा घोल बनाएं। थाली पीठ के लिए बैटर हमने रेडी कर लिया है। देखिए, ये ना ही ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला। इसकी कंसिस्टेंसी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे आलू के पकौड़े बनाने के लिए आप जो कंसिस्टेंसी यूज़ करते हो, अब जैसा बेसन का घोल बनाते हो उसी तरह से थाली पीठ का भी घोल होना चाहिए, तो ही ये परफेक्ट घोल होगा और थाली पीठ काफ़ी अच्छी बनेगी। मीडियम फ्लेम पर फ्राइंग पैन अच्छे से गर्म करें, हल्का सा तेल ब्रश करें, थाली पीठ का बैटर जो आटा है वो एक चम्मच की मदद से लें और फ्राइंग पैन के बीच में रख दें ऐसे, और चम्मच के उल्टे साइड से उसे हल्का सा दबाते हुए राउंड शेप में बनाएं, इस तरह से। अब हल्का सा तेल ऊपर से रख दें। जब थाली पीठ ऊपर से पूरी तरह से सूख जाए, देखिए ये पूरी तरह से सूख गया है, अब इसे इस स्टेज पर हम फ्लिप करेंगे, इसे पलटेंगे और दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से पका लेंगे। काफी जल्दी बन जाती है, तो
तो जब कभी भी कुछ जल्दी और हेल्दी बनाना हो तो ऐसी रेसिपीज जरूर ट्राई करें। ये बच्चे के स्कूल के टिफिन के लिए भी काफी अच्छा ऑप्शन है। इस थाली पीठ को दोनों साइड से अच्छी तरह से हल्का लाल होने तक पका लें। ये थाली पीठ जितने अच्छे से पकेगी इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। हमने इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से हल्का लाल होने तक पका लिया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, जब हम निकाल रहे हैं तो भी आप देख सकते हो कि ये इतना सॉफ्ट है कि एक दोनों साइड से ये लगभग मुड़ गया है, उतना सॉफ्ट है। अब हम इसे प्लेट में रख लेंगे। वाव, लग रहे हैं ना काफी टेस्टी। मैं आपको और एक थाली पीठ बनाकर दिखाती हूँ। सबसे पहले पैन अच्छे से गर्म करें, उसमें हल्का सा तेल ब्रश करें। अब थाली पीठ का आटा लें और पैन के बीचों बीच रख दें, ऐसे। अब चम्मच के बैक साइड से उसे राउंड शेप दें, फिर ऊपर से थोड़ा सा तेल रख दें। ऊपर से यह आटा थाली पीठ का सूख जाएगा तो आप इसे पलट दें। अब दोनों साइड से हल्का लाल होने तक अच्छे तरह से पका लें। हमारी रेसिपी थाली पीठ रेडी हो गई है। इस तरह से सॉफ्ट थाली पीठ जरूर बनाएं। और आपको ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं।